हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडिटिंग करके दिखाऊंगा मौली के साथ फोटो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो अपने फोटो के साथ। तो अगर आप पबजी खेलते हो तो आपको मौली या फिर मोलोटोप कॉकटेल के बारे में पता ही होगा, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो आज का भी एडिटिंग बहुत ही खतरनाक एंड जबरदस्त होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को नीचे जाकर लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। तो गाइस, चलिए फिर इस फोटो एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस फोटो एडिटिंग के लिए आपको अपना एक फ़ोटो ऐसे क्लिक कर लेना है जो आप मोबाइल से ही क्लिक कर सकते हो, क्योंकि हम इस फोटो एडिटिंग में बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ऐसे हाथ को थोड़ा ऐसे पोज देके फोटो को क्लिक कर लेना। ठीक है, तो इस फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको मैंने पहले से यहाँ पे रिमूव करके रखा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको बैकग्राउंड रिलीज करना पिक्सआर्ट के अंदर नहीं आता तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप उस ट्यूटोरियल को देख के आपको एक ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा और आपको बैकग्राउंड चेंज करने का आइडिया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को ओपन करना है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। और गाइस, जितने सारे यहाँ पे पीएनजी और बैकग्राउंड को मैं यूज करने वाला हूं, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऐड फोटो में और यहाँ पे मैं अपना मॉडल का जो कार्डआउट है उसको ले लूंगा, ऐड कर लूंगा। इसका पोजिशन को मैं एडजस्ट करता हूँ। ऑलराइट, तो इसको मैं करता हूँ डन। ठीक है, दोबारा चलते हैं ऐड फोटो में। उसके बाद मैं यहाँ पे एक हेयर पी एन जी लूँगा, ऐड कर लूँगा। हेयर पी एन जी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये फोटो और भी ज़्यादा स्टाइलिश लगे। अब हेयर पी एन जी को सेट करने के बाद यहाँ पे मैं इरेजर के आइकन के अंदर आता हूँ, फिर हार्डनेस को जीरो करके नीचे से इसको इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस देखो, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो चलो हम इसको कर लेते हैं डन, बहुत ही बढ़िया। दोबारा चलते हैं ऐड फोटो में। इस बार मैं यहाँ पे स्मोक का पीएनजी लूँगा, ऐड कर लूँगा। स्मोक का पीएनजी को लेके इसका ब्लेंड मोड को मैं करूँगा यहाँ पे स्क्रीन। ठीक है, फिर इसको नीचे से कुछ इस पोजीशन में रखूँगा, नीचे यहाँ पे स्मोक होना चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड पे भी स्मोक है। ठीक है, तो ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो हम इसको करते हैं ऊपर से डन, बहुत ही बढ़िया। आप बढ़िया दे हाथ में यहाँ पे मौली यहाँ पे ऐड करने की। तो ऐड फोटो में चलते हैं, फिर यहाँ पे मौली का जो पीएनजी है इसको लेके ऐड करेंगे। फिर इसको आप कुछ इस पोजीशन में रखो या पे ओपासिटी को थोड़ा सा डाउन करो ताकि आपको अपने हाथ का उंगली यहाँ पे अच्छे से नज़र आए। फिर इसको अच्छे से सेट करो। सो गाइस, ये पोजीशन बेस्ट है। तो इसका ओपासिटी को दोबारा यहाँ पे 100 करता हूँ, इरेजर में आता हूँ। फिर मैं पहले इसको ऐसे इरेज कर लूँगा थोड़ा सा, और इस बार ब्रश को लेके हार्डनेस को थोड़ा सा ऐड करके बढ़ा के इसको मैं धीरे धीरे पेंट कर लूँगा। सो गाइस देखो, ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में। इसको मैं करता हूँ ऊपर से डन एंड मैं इसको दोबारा डन कर लेता हूँ। सो गाइस, आप बारी आती है यहाँ पे मौली के ऊपर फायर ऐड करने की, तो वो भी हम ऐड करेंगे। ऐड फोटो में चलते हैं। फिर यहाँ पे तीन फायर इमेजेस आपको दिखाई दे रहा है, इन तीनों को मैं ले लेता हूँ और ऐड करता हूँ। तो इन सब का ब्लेंड मोड को मैं करूँगा स्क्रीन और इसको बराबर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखो। सो गाइस, ये जो लास्ट वाला फायर का पीएनजी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे आके। फिर डुप्लीकेट करने के बाद ये डुप्लीकेट वाला पीएनजी मैं नीचे कुछ यहाँ पे रख दूँगा ताकि यहाँ पे ये भी लगना चाहिए कि नीचे से भी स्पार्क यहाँ पे आ रहा है। सो गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है दिखने में। इसको मैं करता हूँ ऊपर से डन, बहुत ही बढ़िया। अब हम इस फोटो को सेव कर लेंगे ड्रॉ टूल के अंदर आके। फिर सेव करने के बाद इस फोटो को ओपन करूंगा मैं लाइट रूम ऐप के अंदर। सो गाइस, लाइट रूम ऐप के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले इस कलर प्रोफाइल पे आना है और यहाँ पे मैं एक कलर प्रोफाइल यूज़ करूंगा जिसका नाम है मॉडर्न 6। तो इसको यूज़ करके मैं इसको ऊपर से करता हूँ डन, बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं यहाँ पे इस आइकन के अंदर, फिर ऊपर चलते हैं मिक्स टूल के आइकन के अंदर और यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर को लूँगा क्योंकि ये फेस टोन का कलर होता है। और यहाँ पे ह्यू को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा
इस साइड में लाऊंगा ताकि ये ओरिजिनल स्किन टोन जैसा लगे। ठीक है, इसको मैं करता हूँ ऊपर से डन। और यहाँ पे आके थोड़ा सा क्लैरिटी ऐड करता हूँ, विग्निटी को थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ। यहाँ पे आके थोड़ा सा शार्पनिंग, नॉइस रिडक्शन एंड लास्ट में मैं आऊँगा इस आइकन के अंदर। फिर यहाँ पे कार्ब को मैं चूज़ कर लूँगा यहाँ पे लिप शैडो, इसको मैं करता हूँ ऊपर से डन। अब गाइस लास्ट में इसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा लग रहा है दिखने में, तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन करूँगा। आप सिंपली चले आओ इस आइकन के अंदर, उसके बाद आप कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर को जो है उसको आप कम कर लो। तो देखो यार ये फोटो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने में। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला फिल्टर भी ट्राई करके देख सकते हो, सिर्फ फ्लैर वाला, ये भी अमेजिंग लग रहा है देखने में। चलो इसको मैं करता हूँ डन। अब हम इस फोटो को सेव कर लेंगे या फिर शेयर, फिर सेव टू डिवाइस। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप भी चाहो अपना फोटो ऐसे एडिट करके मुझे इंस्टाग्राम के अंदर ज़रूर टैग करो, और वीडियो को जाने से पहले वीडियो को नीचे आके लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल में प्रेस करना। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग दोस्तों एंड कीप क्रिएटिंग।